हेलो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे अंततः का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है अंततः का इंग्लिश मीनिंग होता है इवेंचुअली और फाइनली इवेंचुअली और फाइनली आइए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं एग्जांपल, इवेंचुअली द प्रॉब्लम अराइसिस फॉर मी यहाँ इवेंचुअली का मतलब है अंततः उदाहरण अंततः मेरे लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है